पर आज की रीडिंग है कि एंजल आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, एंजल आपको क्या संदेश देना चाह रही हैं, कि आपके लिए कौन सा रास्ता खुलेगा और कौन सा रास्ता आप चलकर बहुत विकास कर सकते हैं। गाइस, गाइड मी एंजल। एंजल कह रही हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ में फंसे हुए हैं। गाइस, पास्ट लाइफ में आप फंसिए मत, आपका जो सोच है वो प्रेजेंट में रखिए, यानी वर्तमान में जिए, वर्तमान में ही हर कार्य करें। पीछे की बातों को ना सोचकर बल्कि आगे की बातों को सोचिए और अपने भविष्य के बारे में भी सोचिए और पास्ट को छोड़िए। पास्ट से किसी का भी आज तक भला नहीं हुआ है, एंजल बोल रही हैं। तो पीछे की बातों को मत दोहराइए, उसको मत सोचिए, प्रेजेंट में अच्छे कार्य करने की कोशिश करिए। और जिस तरह कछुआ हमेशा जीता है, उसी तरह आप कछुए की चाल चलते 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 मंजिल तक आप जरूर पहुंचेंगे, एक दिन सक्सेस जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी चाल भी बहुत धीमे गति से चल रही है। और जो भी परिवर्तन आपके लाइफ में हो रहा है, जो भी ग्रोथ हो रहा है गाइज आपके लाइफ में, एंजल बोल रही हैं बहुत स्लो हो रहा है, बहुत धीरे हो रहा है। टोटल के कारण जैसे यहाँ पे आया है तो बहुत धीरे धीरे चलता है कछुआ, लेकिन अपने मंजिल तक आपको पहुँचा ही देगा या पहुँच ही जाएगा। उसी तरह आप धीरे ही धीरे काम कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, अपने मंजिल को लेकर, अपने सपनों को लेकर, बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में आप चल रहे हैं। तो ये एक दिन अपने पूरे मंजिल तक पहुँचेगा, पूरे ऊँचाइयों तक पहुँचेगा, लेकिन धीरे धीरे। और इसको सुधारने के लिए, अपने लाइफ को सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए एंजल बोल रही हैं थोड़ा आप साइलेंस में जाइए, एकांत में जाइए, किसी ऐसे पानी वाले जगह पे जाइए और एकांत होकर सोचिए कि मुझे अपने लाइफ को, अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो करना है वो कैसे करना है, ये आपको सोचना है गाइज, खुद सोचना है। साइलेंस में जाकर, एकांत में जाकर अपनी भावनाओं को आप विश्लेषण करिए, अपनी भावनाओं को बार बार सोचिए, भावनाओं को अपने अंदर समाहित कीजिए, उसके बाद आपको सच्ची मंजिल मिलेगी, सच्ची राह मिलेगी इस कछुए की तरह। तो यही एंजल का कहना था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एवरीवन।